हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन बोर्ड एमबीए टू जेड चैनल। तो आज मैं बात करूंगा जरा सा रियल स्टोरी ऑफ द बिहाइंड 1.1 करोड़ पैकेज इन द बी स्कूल। ओके, तो इस साल बहुत जगह से आपको न्यूज़ आ चुका है कि 23 में 1.1 करोड़ 1.2 करोड़ पैकेज मिला है। ओके, सो फ्रॉम द बी स्कूल से कैंपस प्लेसमेंट में। तो इसके लिए बिहाइंड द स्टोरी इज दैट 1.1 करोड़ CR जो पैकेज आपको मिलेगा, दैट इज इंटरनेशनल पैकेज, दैट इज नॉट अ डोमेस्टिक पैकेज। ओके, तो इंडिया से बाहर आपको मिलने लगेगा। मान लो आपको पोस्टिंग होगा, आपको कैलिफोर्निया में, आपको न्यूयॉर्क में, हो सकता है कि आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको पोस्टिंग होगा। तो US में क्या होगा ना, आपको 40% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उसका ऊपर, ठीक है ना। तो 40% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो पहले ही काट लेगा। उसके बाद आपको क्या करेगा ना, जो वो जाके जो बाकी जो पैसा रहेगा उसमें क्या होगा ना, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, आपको जो रूम का रेंट का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद रूम का इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आपको जो लिविंग कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट मीन्स क्या, जो आप यहाँ पर बॉम्बे में रहोगे, दिल्ली में रहोगे, उसका जो कॉस्ट जो होगा उससे भी कहीं गुना ज़्यादा, मल्टीपल्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट है आपको US में। कैलिफोर्निया में आप रहोगे, न्यूयॉर्क में रहोगे, मैनहट्टन में आप रहोगे, तो उसका कॉस्ट बहुत, लिविंग कॉस्ट हाई होता है। उसके बाद आपको जो मार्केट प्राइस जो है, आपको जो डेली आपको जो खाना पीने का जो कॉस्ट होगा, दैट इज़ वेरी हाई। ओके, तो क्या होगा ना, उसमें ऑटोमेटिक क्या होगा ना, आपको जाके ज़्यादा पैसा आपको बचेगा भी नहीं। और एक तो क्या है ना, जो उस वहाँ पर जाके आपको लगेगा जे यहाँ पर जैसे कि ना, जो आपको 8-9 लाख का जो पैकेज जो है, नॉर्मल पैकेज, वो नॉर्मल पैकेज के लाइक ही वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जो आपका जो दूसरा कंपनी का HSCTC बताता है वैसा नहीं है। ये एक्चुअली रियल स्टोरी है। आपको क्या है ना, जो ऐसा लगता है कि जो 1.1 करोड़ मेरे को मिला है। उसके बाद क्या है ना, जो और एक तो इनहेरेंट आपको जो उसका डार्क हिस्ट्री है, क्या इसका जो है ना ज्वाइनिंग बोनस रहता है। ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है कि आपको कुछ लाख आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो नेक्स्ट ईयर से आपको वो पैसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, जब आप नेक्स्ट ईयर जब कंटिन्यू करने जाओगे तो उस टाइम लगेगा जी ऐसे ही आपको कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, उसका 40% टैक्स, होम इंश्योरेंस एज वेल एज द होम रेंट एज वेल एज योर मेडिकल इंश्योरेंस आपको करने लगेगा। सो दैट इज द बेसिकली द रियल स्टोरी ऑफ 1.1 करोड़। एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।